हमारे नवा दिन स्टार्ट है, हम ये मुसाफिरों को खाना तकसीम कर रहे हैं रजाकाना तौर पर। कोहिस्तानी आवाम और यूथ मूवमेंट और डिफेंस सिविल डिफेंस, और ये हमारा इंशाल्लाह जब तक ख़त्म न हो जाए हम इस वक्त तक हम खाना तकसीम करते रहेंगे। और हमारे कोहिस्तानी आवाम हमारे साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, तआवुन कर रही है, और इंशाल्लाह तवक्को है कि हमारे साथ और भी तआवुन ये लोग करेंगे। और इसमें ये है कि बस बहुत बहुत आपने वक्त दिया और हमें बात करने का मौका दिया, तो मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा अपने कोहिस्तानी आवाम से कि जिन्होंने डोनेट किया है वो और भी हमारे कोहिस्तानी से गुजारिश है कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और आज नौवां दिन है, लोग मुसलसल खाना दे रहे हैं उनको, और कोहिस्तान सिविल डिफेंस और यूथ मूवमेंट के अहलकार शाना बशाना खड़े हैं और इंशाल्लाह अच्छे तरीके से उनको खाना सर्व करने में मसरूफ़ है। सूबाई हुकूमत की जानिब से जब से लॉकडाउन का ऐलान हुआ है उसके बाद कोहिस्तान के आवाम, जिसमें कोहिस्तान के यूथ मूवमेंट और सिविल डिफेंस के साथ साथ कोहिस्तान के सहाफ़ियों ने शहर रेशम पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए और जो कमेला सिटी में फंसे हुए हैं उन मुसाफिरों के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया। आज नवा रोज़ भी वो अपनी उस प्रोसेस का सिलसिला जारी है, खाना सिस्टम को तकसीम कर रहे हैं, और उनका यह आज़म है कि इंशाल्लाह जब तक लॉकडाउन ख़त्म होने तक हम इस आज हमारा नवा दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निज़ाम बहुत ज़बरदस्त चल रहा है और हम लॉकडाउन ख़त्म होने तक हमारे पास स्टॉक मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला हम लॉकडाउन के ख़त्म होने तक अपने मुसाफिरों को और फंसे हुए लोगों को बग़ैर किसी लालच बग़ैर किसी उसके मुफ्त खाना प्रोवाइड करेंगे। रहमान रहीम, कोहिस्तानी आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि आज नवा दिन है, कोहिस्तानी आवाम की तरफ से मुसाफिरों को खाना दिया जाता है। जो वॉलंटियर है वो फी सबीलिल्लाह यहाँ खड़े हैं। आप भी मखैर हजरात से मुतालबा है कि इस खैरात में इस सदक़े में अपना हिस्सा डालें और रज़ाकार भी बने, रज़ाकारी के लिए भी हमारे साथ दें। आओ जाओ,